हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी ही दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। जी टीवी का मशहूर टीवी सीरियल योद्धा अकबर में सलीम बेगम के किरदार निभाने वाली अदाकारा मनीषा यादव का निधन हो चुका है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मनीषा यादव की मृत्यु ब्रेन हैमरेज के कारण हुई है, लेकिन अभी इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वेल, आज सुबह से ही मनीषा यादव के निधन की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन उनके जो फैंस हैं उनको अभी भी इस खबर पर यकीन नहीं हो पा रहा है कि कैसे अचानक से मनीषा यादव की मृत्यु हो गई। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जीटीवी के मशहूर टीवी सीरियल योद्धा अकबर ने मनीषा सलीम बेगम की भूमिका में देखने को मिली थी और उनके काम को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। कुछ खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि मनीषा यादव की मृत्यु की खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। तो चलिए जानते हैं यह खबर सच है या झूठ। तो इससे पहले आपको बता दें कि मनीषा यादव का जन्म 11 फरवरी 1992 में बेंगलुरु कर्नाटक भारत में हुआ था। वह शादीशुदा थी, उनके पति का नाम ज्योति जैन सुमित सेमवाल है। मनीषा यादव एक तमिल फिल्म अभिनेत्री और मॉडल हैं। वह कई तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अभी मनीषा के परिवार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अभी जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट को सामने से मिली है उसके अनुसार यही लग रहा है कि अब मनीषा हमारे बीच नहीं रही। जैसे ही हमारे पास अधिक जानकारी आती है तो हम उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। वेल, आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।